अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम ही है क्लाउड। कितना बच्चा लोग सुना इस शब्द को, कंप्यूटर से रिलेटेड क्लाउड, बादल नहीं, बादल वाला नहीं जो आप देखते हैं आसमान में और फिर छत्ता निकालने के नहीं निकालने डिसीजन लेते हैं, बोला नहीं, जिन लोग क्लाउड सुना है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है लास्ट एक साल में, पिछले एक साल में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है कि तुम सुना ही होगा पक्का 100%। हाथ उठा जिन लोग सुना है, फुल एंड एवरी वन एकदम सब लोग सुना है, 100% ऑफ द बैच सुन रखा है, वाओ, पूरा 100% ऑफ द बैच सुन रखा है क्लाउड के बारे में। नाउ आई नीड द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड, मजा देखो, सब लोग का सुना हुआ है, 100% बच्चों को बताया है क्लाउड। आई नीड द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड, गो फॉर इट, डिफाइन क्लाउड, हिंदी इंग्लिश हिब्रू जो बोलना बोलो, अ हो गया, बैठो, एनीवन इन द बैच, कैन यू डिफाइन क्लाउड फॉर मी, कैन यू डिफाइन क्लाउड फॉर मी, जो आता है मन में बोलो, जो भी, क्लाउड स्टोरेज सुनाई दिया मेरे को, स्टोरेज सुनाई दिया, स्टोरेज बैकअप, वाओ, क्लाउड स्टोरेज बैकअप, ये टैब है मेरा, इसमें भी तो स्टोरेज होता होगा कि नहीं होता, मोबाइल दे तो, हम तो अपना मोबाइल ऑफिस में छोड़ करके आते हैं, हम सारे मुंह माया से मुक्त होकर के आते हैं क्लास में, क्या इस मोबाइल में स्टोर होता है तुम्हारे, तो बच्चे बोल रहे हैं क्लाउड है, बच्चे बोल रहे हैं इसमें स्टोर होता है क्लाउड है, गलत, कहां बाहर में स्टोर होगा, हाँ सर्वर दूसरा जगह रहता है और एक्सेलेंट गूगल किया क्या बच्चा लोग, बोले गूगल किया बच्चा लोग, बोल रहे ये ऐसा बोल ही नहीं सकता है, मतलब तुमको नहीं आता तो मतलब किसी को भी नहीं आया, हालत देखो तुम लोग कितना ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, हम ही लोग का बिरादरी का है, हम लोग को नहीं आता तो ये किस खेत का मूली है, अच्छा बोल रहे कि एक तो इतना देर बाद भी बोला, भैया देखिए आप नोटिस करिए, आप चीज नोटिस करिए, 5 मिनट से आप पूछे क्लाउड क्या है, क्लाउड क्या है, वो जैसे आप पूछे ना क्लाउड क्या है, सर्च मारना चालू कर दिया, सुनो आप लोग गूगल यूज करते हैं, वो क्लाउड है, गूगल इज अ क्लाउड, गूगल इटसेल्फ इज अ क्लाउड, और आप लोग क्या क्या रोजमर्रा का जीवन में यूज करते हैं बताइए मेरे को, मोबाइल में आज बता दीजिए, शर्माइए मत, जो भी आप एकदम बेशरम होकर के बताइए, बात यहीं तक रहेगा, फेसबुक इज अ क्लाउड, व्हाट्सएप इज अ क्लाउड, इंस्टाग्राम क्लाउड, स्काइप क्लाउड, यूट्यूब क्लाउड, ट्विटर क्लाउड, स्नैपचैट क्लाउड, आप लोग सारा एप्स बोल रहे हैं ना, तो एक बार में बोल दो एप्स क्लाउड, आप समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है, हॉटस्टार क्लाउड, कितना बच्चा लोग हॉटस्टार यूज करता है, फुल एंड क्या देखता है तुम लोग उसमें, क्लाउड है, हम लोग घिरे हुए हैं क्लाउड से, थ्री इडियट्स, गूगल, यूट्यूब, मोबाइल में तेरा जितना भी ऐप है, तुम लोग मूवी देखने के लिए कौन सा ऐप यूज करता है, कौन सा ऐप यूज करता है, विच ऐप, यूट्यूब
यूट्यूब देख लेता है, हॉटस्टार देख लेता है, किस समझ में आ रहा है। अच्छा मूवी छोड़ो गाना सुनता होगा तुम लोग, गाना डॉट कॉम, सावन, जियो म्यूजिक, गाना डॉट कॉम, क्या रे क्या स्पेलिंग है, ऐसे भी एन रहता है ना, हम भी उसके हैं सावन, ऐसे वी एन रहता है, डबल ये डबल ही रहता है क्या तुम लोग एकदम, मतलब अब चीज समझो, गाना डॉट कॉम और सावन, एक जमाना था जो सब लोग, हम लोग सब इस जमाने से गुजरे हैं कि मोबाइल के अंदर हम लोग सारा गाना डाउनलोड करके रखते थे, अगर आपको याद हो तो। जैसे ही नया गाना आता था बाजार में, हम लोग सबसे पहले गाना को डाउनलोड करते थे, मोबाइल के अंदर गाना डाउनलोडेड रहता था, एक लंबा प्लेलिस्ट रहता था, ट्रैक लिस्ट रहता था, कम से कम पता नहीं 250-300 एक अलग से एक्सटर्नल मेमोरी भी लेकर के आते थे, समझ आ रहा है, पूरा गाना डाउनलोडेड रहता था, था कि नहीं था बताओ। वो एक जमाना था, आज का जमाना अलग है, आज का जमाना ऐसा है आप लोग अपने मोबाइल में गाना डाउनलोड नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे ही गाना डॉट कॉम में जाओगे आप अपना मन पसंदीदा फेवरेट सॉन्ग जो आपको सुनना होगा सुन सकेंगे, आपको पता है आप सावन में जाओगे आप अपना मन पसंदीदा गाना सुन सकेंगे, तो यू डोंट डाउनलोड द सॉन्ग्स एनीमोर। हाथ जोड़ा जिन लोग डाउनलोड नहीं करते आजकल, पहले करता था बट आजकल नहीं करता, पहले किया हुआ है डाउनलोड बट आजकल नहीं करता, बट सुनता है, ऐसा नहीं कि बस जीवन जीना ही छोड़ दिया है, कहां से ये सब कोर्स में कहां से ये सब समय मिलेगा, वो वाला बच्चा नहीं, जो गाना अभी भी सुनता है, मतलब कभी कभार 4-5 महीना में एक बार रोज, इसलिए तो तुमको प्रोविजन याद नहीं रहता, लॉकर नॉनसेंस। हम जब मतलब बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिक और फेटिक हो जाता है मेरे लिए शेड्यूल, तो हम सुनते हैं, मतलब 3 महीना में एक बार तो सुन ही लेते हैं। हाँ फुल एंड, फुल एंड, जिन लोग पहले गाना डाउनलोड करके सुनता था और अभी डाउनलोड नहीं करता फिर भी सुनता है फुल एंड, बिकॉज ऑफ क्लाउड, बिकॉज ऑफ क्लाउड, यू आर एक्सेसिंग समथिंग विच यू आर नॉट हैविंग इट, समथिंग विच यू आर हैविंग एंड नॉट हैविंग, स्टिल यू आर एक्सेसिंग इट, एंड वेन एवर यू वॉन्ट यू आर एक्सेसिंग इट विदाउट स्टोरिंग इट, दिस इज क्लाउड, दिस इज क्लाउड, क्लाउड मीन्स रिसोर्सेज विच कैन बी एक्सेस्ड, रिसोर्सेज विच कैन बी एक्सेस वाया इंटरनेट, ऑल द रिसोर्सेज विच वी कैन एक्सेस वाया इंटरनेट विदाउट वरिंग अबाउट द स्टोरेज ऑफ द रिसोर्सेज, मेंटेनेंस ऑफ द रिसोर्सेज एंड फिजिकल लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वी आर एक्सेसिंग रिसोर्सेज, वी डोंट नो वेयर द रिसोर्स इज स्टोर्ड, वी आर नॉट मेंटेनिंग द रिसोर्स, वी आर नॉट मैनेजिंग द रिसोर्स, वी आर ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली मजा उठाइंग द रिसोर्स, वी आर ओनली एक्सेसिंग द रिसोर्स, सो ऑल द रिसोर्सेज विच वी कैन एक्सेस वाया इंटरनेट, द रिसोर्सेज विच यू कैन एक्सेस वाया इंटरनेट विदाउट स्टोरिंग इट, विदाउट वरिंग अबाउट इट्स स्टोरेज, विदाउट वरिंग अबाउट इट्स मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, इट इज कॉल्ड क्लाउड, वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी इन द वर्ल्ड, एनी वेयर इन द वर्ल्ड वाई इंटरनेट। क्या आप अपने घर में खाली गाना सुन सकते हैं, यहां पर भी सुन सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर हैविंग इंटरनेट कनेक्शन, बुद्धि में नहीं जा रहा है। सो डिफाइन क्लाउड, चलो जो बुक्स में लिखना है आपको, जो एग्जाम में लिखना है मेरे को वो बात बताओ, आलतू फालतू का बात मत करो, क्लाउड को डिफाइन करो, क्लाउड मीन्स रिसोर्सेज दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, क्लाउड मीन्स रिसोर्सेज दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय इंटरनेट, रिसोर्सेज दैट यूजर्स कैन एक्सेस फ्रॉम, रिसोर्सेज दैट यूजर्स, रिसोर्सेज दैट यूजर्स कैन एक्सेस, रिसोर्सेज दैट यूजर्स कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय इंटरनेट विदाउट वरिंग अबाउट इट्स स्टोरेज मेंटेनेंस लोकेशन, विदाउट वरिंग अबाउट इट्स स्टोरेज मेंटेनेंस एंड फिजिकल लोकेशन। सर्वर का है मुझे नहीं पता, सर सर्वर क्या होता है सर हम लोग को बताइए ना सर, कहीं ना कहीं तो ये गाना होगा जो तुम सुन रहे हैं,
सावन वाला तुमको अलाउ कर रहा है उसका रिसोर्सेज यूज करने के लिए, बट सावन वाला ये गाना डाउनलोड किया होगा कि नहीं किया होगा बताओ तो, Gaana.com ये गाना डाउनलोड किया होगा कि नहीं किया होगा, तो उन लोग जिस कंप्यूटर में ये गाना रख के रखा है उसको क्या बोलता है, सर्वर। सर्वर कुछ नहीं है, कंप्यूटर है जिसका काम है स्टोर करना। कहां स्टोर है, कहां स्टोर है, सर्वर कहां है, हमको क्या पता, हमको मजा उठाने से मतलब है। कहां सर्वर है भाड़ में गया, मैं इंटरनेट के थ्रू उसको यूज करूंगा, नहीं समझा रहे बाबा, कहां स्टोर है, हा कहां स्टोर है, सर्वर क्या है, सर्वर सर्वर चिल्ला रहे हो, कंप्यूटर है सर, कंप्यूटर, कंप्यूटर हैविंग लार्ज मेमोरी कैपेसिटीज, लार्जर रैम, सुपर कंप्यूटर दीज आर, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सॉन्ग आपको Gaana.com सावन में और क्या बोला विंकीज में मिल जाएगा, क्या विंक 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 म्यूजिक एक बार देखे थे, लाखों करोड़ों करोड़ों पंजाबी बांग्ला हिंदी इंग्लिश पता नहीं कौन कौन सा मिल जाएगा आपको, क्या वो एक कंप्यूटर में स्टोर कर रखा होगा, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल एक कंप्यूटर में स्टोर करना। और एक कंप्यूटर का भी तो कैपेसिटी होता है, उसके पास ऐसा हजारों कंप्यूटर रहेगा जिसमें वो स्टोर करके रखा, उसका तो धंधा है, वो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। हम लोग हैं पब्लिक यूजर्स, तो somebody is storing, somebody is maintaining the resources, somebody is storing the resources, somebody is maintaining and managing the resources, somebody is doing the management and maintenance of resources, somebody is managing the security of the resources, who is storing the resources, who is managing, maintaining and providing the security of the resources, cloud service provider, where are they storing it, one server ki many computers, server is a computer in which the data is being stored, server is a computer in which the data is being, one computer ki many computers, so that they can store millions and billions of data, and how do they share, how do they share with the users, via internet, if user does not have internet he cannot access the services of the cloud service provider, to access the services of the cloud service provider you have to have the internet, kabhi bina internet ke khulna usme dikha dega no internet connection hat hat ke dega upsa jata hai, ye samajh aa raha hai, ab aapko cloud ka idea lagna chalu ho gaya hai kya, बोलिए। तो क्लाउड क्या है, रिसोर्सेस, क्लाउड में भी डिफाइंड है, हा क्लाउड में भी डिफाइंड है रिसोर्सेज दैट यूजर्स कैन एक्सेस, रिसोर्सेज दैट क्लाउड में भी डिफाइंड है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट यूजर्स कैन एक्सेस बाय द इंटरनेट, रिसोर्सेज दैट यूजर्स कैन एक्सेस, एकदम दिमाग में बैठा लेना है, जाने नहीं देंगे बेटा, बोल दिए कि यहीं पर तुमको अपना आईटी खत्म करना है तो यहीं खत्म करना है, समझ में आया, रिसोर्सेज दैट यूजर्स कैन एक्सेस, क्लाउड में भी डिफाइंड है रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज दैट द यूजर्स कैन, रिसोर्सेज दैट यूजर्स कैन एक्सेस बाय द इंटरनेट, रिसोर्सेज एनी रिसोर्सेज दैट यूजर्स कैन एक्सेस बाय द इंटरनेट फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड विदाउट वरिंग अबाउट द लोकेशन, स्टोरेज, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, डोंट वरी अबाउट द सिक्योरिटी, स्टोरेज, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, फिजिकल लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, स्टिल वी कैन यूज इट बाय द इंटरनेट, दोज रिसोर्सेज रेफर्स टू द क्लाउड। गूगल क्या है, गूगल क्यों क्लाउड है, हा आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस, आप गूगल को एक्सेस इंटरनेट से कर सकते हैं, यहां पर बैठ करके एक्सेस कर सकते हैं, बाहर जाकर अपने घर में जाकर के, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू ओनली हैव टू हैव द इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्शन है, तुम गूगल को एक्सेस कर सक रहे हैं, तुम कोई भी रिसोर्सेज जो गूगल में उसको यूज कर सक रहे हैं, दैट इज अ गूगल इज अ क्लाउड।
लंदन में भी क्या गूगल में लोग एक्सेस करते हैं क्या? हाँ, अच्छा कंट्री अगर बैन कर रखा है जैसे चाइना, तो उसको बीच में मत लाना कि चाइना चलिए आपको दिखाते हैं काम नहीं करेगा, बिकॉज वो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, गवर्नमेंट जैमर लगा रखा है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा, वो तो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, बट अदर देन दैट वी कैन एक्सेस एनीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब ऐसे तो कुछ कुछ चीज एक्सेस करना इलीगल भी है, फिर भी तुम लोग करता है, मुंह मत खुलवाओ। बीच में तो मोदी जी बैन भी कर दिए थे, फिर तुम लोग इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट किया कि अलाउ करना पड़ा। बट टोरेंट, वही उसी का बात कर रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे थे? टोरेंट का ही बात हो रहा था भाई, अरे टोरेंट ही बीच में बैन हो गया था, हे भगवान। यू ऑल डाउनलोड न्यू मूवीज फ्रॉम टोरेंट वेबसाइट? बोलो। बेसरम लोग, तो वही तो इलीगल है। तो हम लोग लीगल का बात नहीं कर रहे, हम लोग क्लाउड पर हैं कि भैया कोई भी रिसोर्सेज मैं इंटरनेट से देख सकता हूं, कोई भी रिसोर्सेज मैं इंटरनेट से एक्सेस, वो क्लाउड है। गूगल में इंटरनेट से एक्सेस कर सकता हूं, क्लाउड है। यूट्यूब में इंटरनेट से एक्सेस कर सकता हूं, इट्स अ क्लाउड। मेरा जितना भी मोबाइल का एप्स है इंटरनेट से एक्सेस कर सकता हूं, इट्स अ क्लाउड। एग्जाम्पल एप्स का एग्जाम्पल हो गया गाना, हॉटस्टार एटसेट्रा, बुद्धि में जा रहा है क्या? फेसबुक क्लाउड है। हा, यू ऑल नीड, व्हाट यू ऑल नीड टू हैव इज एन इंटरनेट, यू कैन एक्सेस द फेसबुक, बुद्धि में जा रहा है। तुमको पता भी है, तुम बेटा फेसबुक में डाल दिया, कभी तुम कंप्यूटर से फेसबुक में डाला होगा अपना प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर डाला ना कभी अपना कंप्यूटर से डाला, अब वो कंप्यूटर मान लो तुम बेच दिया, क्या अभी भी वो प्रोफाइल पिक्चर है? तुम्हारे लोकेशन में है, तुम्हारे पास है। यही तो गलत फहमी है, यही तो गलत फहमी है, यू आर नॉट हैविंग इट, तुम्हारे पास है ही नहीं तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर, क्योंकि जिस कंप्यूटर में वो डाउनलोडेड था, तुम्हारे किसी कंप्यूटर या मोबाइल में वो डाउनलोडेड था, मान लो मैंने इस मोबाइल से, कहां गया मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, मैं अपना सेल्फी ले रहा हूं, कैसे लेते रहे? आ गया, आ गया। क्या ये सेल्फी अभी जो हम लिए हैं, ये एक रिसोर्स है? रिसोर्स है ना रे बाबा, एनी डेटा इज अ रिसोर्स, चीज को समझो, एनी डेटा इज अ रिसोर्स। क्या ये क्लाउड है? बिकॉज यू कैनॉट एक्सेस इट, क्योंकि अभी तक मैंने इसको इंटरनेट में डाला नहीं, जो चीज इंटरनेट में गया नहीं वो जीवन में क्लाउड नहीं है। जब तक वो चीज इंटरनेट में नहीं जाएगा, वो रिसोर्स जब तक इंटरनेट में जाएगा वो क्लाउड नहीं है, जब रिसोर्स इंटरनेट में रहेगा तब वो क्लाउड बन जाएगा, क्लाउड का रिसोर्स बन जाएगा। ये जो अभी अभी हम सेल्फी लिए हैं, इसको हम फेसबुक में शेयर कर रहे हैं, ये रख रहे हैं फेसबुक में, इज माई फेसबुक, हाँ फेसबुक में शेयर कर दे रहे हैं। क्या चीज? हाँ, फेसबुक लाइव अभी तक हम गए नहीं है, लास्ट क्लास में जाएंगे। एवी लाइव अभी तक हम अपने करियर में गए नहीं है, मेरा बहुत मन है जाने का, बंद हो जाएंगे। अब ये देखो, ये देखो, ये मैंने शेयरिंग टू एक्सप्लेन द क्लाउड, ये शेयरिंग टू एक्सप्लेन द क्लाउड टू माई स्टूडेंट्स, ठीक है? ये मैं पोस्ट किया, मैं पोस्ट किया, क्या पोस्ट कर दिया मैं, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट, ये गया फेसबुक में। अब हम क्या करेंगे, मेरा कैमरा से हम डिलीट कर दे रहे हैं, ये देखो डिलीट इमेज, डिलीट, डिलीटेड द इमेज हैज बीन,
कैन आई स्टिल एक्सेस द इमेज? हमने अपना पूरा सॉफ्टवेयर मोबाइल वगैरह सबसे डिलीट कर दिया, क्या फिर भी हम एक्सेस कर सकते हैं? मेरे पास है कि फेसबुक वाला के पास है? देखो आई तो हम एक्सेस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? ये तो नहीं, हम पब्लिक नहीं किए थे, खाली तुमको समझाने के लिए कर रहे थे। समझ में आया? समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? हमने मोबाइल से डिलीट किया कि नहीं किया? आपके सामने किया, फिर भी फेसबुक में अभी भी ये है, यही है क्लाउड। ये अब मेरे कंप्यूटर में स्टोर है या मेरे मोबाइल में स्टोर है? लेकिन फेसबुक वाला जो मेरे लिए स्टोरेज स्पेस रख के रखा होगा, फेसबुक के कंप्यूटर सर्वर में स्टोर हो चुका है। फेसबुक वाला हम लोग सबके लिए सर्वर में जगह बना करके रखा है, मेरे लिए थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मैं ज्यादा मतलब फ्रेंड्स वगैरह है, 500 आईडी है, कि फेसबुक वाला एक जन को 5000 फ्रेंड्स का ही लिमिट दे रखा है, 5000 फ्रेंड्स से आप ज्यादा ले नहीं सकते, डिसअलाउड है। तो मेरे को ऐसा 500 आईडी बनाना पड़ा, नहीं समझा, और मैं आईडी बनाना छोड़ दिया। फिर मैं पेज बनाया, पेज में अनलिमिटेड है, हे भगवान, 11 साल ना, इसको अब मैं फेसबुक से भी डिलीट कर दिया। बट ये मेरे फेसबुक से डिलीट होने के बावजूद भी मेरे को नहीं पता उसका सर्वर से डिलीट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, वो फेसबुक का अपना इंटरनल सिस्टम है। नहीं समझा रहे बाबा? अब एक बात बताओ, अगर फेसबुक में मेरा जो जो चीज डाला हुआ है, मैं अपना मोबाइल से डाला, मोबाइल से डिलीट कर दिया, कंप्यूटर से डाला, कंप्यूटर से, क्या फिर भी हम वो सब पिक्चर्स को देख सकेंगे? क्यों? क्या वो स्टोर्ड है? हाँ, लेकिन मेरे पास स्टोर्ड नहीं है, मेरे लिए फेसबुक ने स्टोर किया। कहां किया मुझे नहीं पता, सिक्योरिटी फेसबुक देखेगा। नहीं समझा रहे बाबा? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज कौन करेगा? फेसबुक। मेरा डेटा लीक नहीं हो जाए, सिक्योरिटी फेसबुक देखेगा। यूजर को एक्सेस करने, मेरे को एक्सेस करने देगा, फेसबुक का जिम्मेदारी, बिकॉज फेसबुक इज मेंटेनिंग सर्वर। स्टोर कौन कर रहा है? फेसबुक। मेंटेनेंस मैनेजमेंट फेसबुक, सिक्योरिटी फेसबुक। दिस इज कॉल्ड क्लाउड। कैन आई एक्सेस इट? बट मेरे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं है तो वो पिक्चर को हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। जो भी चीज मेरे लैपटॉप में है, मेरा मोबाइल में क्रिएशन है, क्या वो क्लाउड है? मेरे मोबाइल में है, मेरे इस टैब में है, मेरे इस लैपटॉप में है, मेरे ऑफिस में है, ऑफिस में कंप्यूटर्स में, हाँ, लेकिन जैसे हम उसको कहां डाल देंगे वो क्या बन जाता है? क्लाउड। आर वी थ्रू विद दिस? प्रोवाइड कोई ना कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उसको क्या कर रहा है? स्टोर। सर गजब, सर समझ में आ रहा है हम लोग को पूरा, क्लाउड जो है अब डाइजेस्ट हो रहा है। सर इसको लेकिन क्लाउड ही क्यों बोला गया सर, कुछ और क्यों नहीं? ऐसा फालतू सवाल मत पूछना। डॉक्टर को डॉक्टर क्यों बोलते हैं? पेशेंट को पेशेंट क्यों बोलते हैं? कुछ और क्यों नहीं? पेशेंट को बीमारी फैलाने वाला क्यों नहीं बोलते? टीचर को टीचर क्यों बोलते हैं? ज्ञान वाला क्यों नहीं बोलते? फिर भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है ना। चलो फिर भी हम तुमको समझाते हैं, तुम्हारे फालतू सवाल का जवाब देते हैं। आसमान में देखो क्या दिखते हैं? तुमको एग्जैक्ट लोकेशन पता है? अरे बेशरम बेहया, यहां से आसमान में तुम कहीं से भी देखेगा तुमको वही वाला बदल दिखाई देगा, अपना छत्ता से, फ्रेंड का छत्ता से, मेरे छत्ता से, छत्ता के ऊपर, तुम कहीं से भी आसमान में देखो क्या दिख रहा है? बादल दिख रहे हैं क्या? क्या हमारा उस बादल के ऊपर कंट्रोल है? जो पूछे बताओ, आसमान का बादल का बात कर रहे हैं, आसमान का बादल के ऊपर क्या तेरा कंट्रोल है? आज बरस 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 बरस, क्या आसमान का बादल के ऊपर आपका कंट्रोल है? क्या हम लोग उसको कहीं से भी एक्सेस कर सक रहे हैं? बोलिए, कहीं से भी एक्सेस कर सक रहे हैं? पक्का हमारा कंट्रोल, हम उसको स्टोर, फिर भी हम उसको एक्सेस, इसीलिए
इसको भी क्लाउड बोलते हैं कि वो रिसोर्सेस जिसको पर हमारा कंट्रोल नहीं है, स्टोर हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड बाय द इंटरनेट कनेक्शन. ऑल दोज रिसोर्सेज विच कैन बी एक्सेस बाय द इंटरनेट फ्रॉम एनी वेयर इन द विदाउट वरिंग अबाउट इट स्टोरेज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिक्योरिटी एंड लोकेशन इज नोन एज क्लाउड. आर वी थ्रू विद दिस? बेशर्मो, ओ बेशर्मो, कॉन्टैक्ट सेव करते हो अपना? हाँ, अच्छा अभी भी फोन बुक में लिखते हो क्या? अच्छा मोबाइल में सेव करते हो क्या? बेशरम, मोबाइल में सेव करती है तुम अपना फोन नंबर? मोबाइल पानी में गिर गया तो क्या होगा? आदम जमाने का बच्चा लोग, जो आदम जमाने का बच्चा लोग है, उन लोग अभी भी क्या करता होगा, अपना जो कॉन्टैक्ट है ना, जितना भी कॉन्टैक्ट है ना, उन लोग मोबाइल नाम का डिवाइस में सेव करता है, मोबाइल डिवाइस में सेव करता है, वो क्लाउड नहीं है. बट जब आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो आपको पूछता है सेव करते समय सेव्ड इन डिवाइस कि सेव्ड इन गूगल कि सेव्ड इन गूगल ड्राइव कि ड्रॉप बॉक्स. दैट गूगल ड्राइव, हम तो भैया गूगल ड्राइव में सेव करते हैं अपना, मैं गूगल ड्राइव में सेव करता हूं. बहुत जन ड्रॉप बॉक्स भी यूज करते हैं, ऐसा कोई बच्चा एक तो मेरे को जो ड्रॉप बॉक्स यूज करता है? सब आदम जमाने के बच्चे हैं. गूगल ड्राइव जिन लोग यूज करते हैं हाथ उठाओ. गूगल ड्राइव जिन लोग यूज करते हैं, बाद बाकी बच्चा लोग क्या अभी भी फोन का वो पैड लेकर के घूमता होगा मेरे ख्याल से? डायरी, डायरी लेकर के घूमता होगा? हाँ डायरी में लिख लेंगे. गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, क्या ये सब क्लाउड है? क्या ये सब क्लाउड है? तो अगर मेरा मोबाइल, कसम से हम बता रहे हैं, मेरा मोबाइल में जितना भी पिक्चर है, जितना भी वीडियोस है, जितना भी पिक्चर्स है, जितना भी वीडियोस है, जितना भी फाइल्स है, जितना भी फाइल्स है, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो मेरा पढ़ाने का सारा डॉक्यूमेंट्स हो, हे भगवान, मेरा सब गूगल ड्राइव में. एवरीथिंग इज इन गूगल ड्राइव, एवरी ब्लडी थिंग इज इन गूगल ड्राइव. ये फोन अगर खो भी गया ना, कोई चोर इसको चोरी भी कर लिया ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है. क्यों? मेरा सारा डेटा कहां पर है? गूगल ड्राइव. आई कैन इजीली एक्सेस इट फ्रॉम गूगल ड्राइव. नाम से पता चले गूगल ड्राइव का ओनर कौन है? गूगल. अच्छा गूगल अलग है, गूगल ड्राइव अलग है, बट दोनों क्लाउड है. ये समझ आ रहा है? अरे थ्रू विद दिस. ड्रॉप बॉक्स में भी आप लोग अपना ड्रॉप बॉक्स, नाम से पता चल रहा है कि आप ड्रॉप करो अपना डेटा, हम लोग इसका टेक केयर करेगा. अरे थ्रू विद दिस, ये सब क्या है? क्लाउड. बुद्धि में नहीं जा रहा है. www.mohitadio.com. कितने बच्चे ये साइट को विजिट किए हैं कभी? फुल हैंड. यहां आकर के ना खुला होगा, मेरे सेंटर में आने के बाद ना खुला होगा क्या? ये आप साइट कहीं से भी देख सक रहे हैं, इंडिया के बाहर से भी देख सकेंगे, इंडिया के अंदर से भी. क्या है ये? तो कहने से कि सारा का सारा वेबसाइट्स क्लाउड होता है? कहने से सारा का सारा वेबसाइट क्लाउड होता है? यस. वेबसाइट तब तक लॉन्च नहीं हो सकता जब तक उसको इंटरनेट पोर्टल में नहीं डाला जाता. आपको किसी से इंटरनेट पोर्टल खरीदना पड़ता है. मैंने खरीदा, जिससे सब लोग खरीदते हैं हिंदुस्तान में ज्यादातर छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन, गोडडी. सुना ही नहीं है रे बाबा? अरे ऐड दिखाता है ना रे बाबा. अच्छा वो 99 रुपया बेवकूफ बनाने का स्कीम है, 299 क्या जितना भी है, मेरा तो कम से कम मतलब कितना नहीं, 25-30 हजार रुपया लगा होगा. 25-30 हजार रुपया इसका साल का लगता है, 25-30,000. तो जो आपको दिखा था 99 रुपया, 999 रुपया या पता नहीं कितना, उसमें आपको कोई फीचर नहीं देगा, कुछ नहीं देगा. इसमें मैं, अब मेरा जो भी रिसोर्सेज है, अब चीज समझो, ये mohitadio.com में जो भी चीज डालता है कौन डालता है? सोच समझ के बताना. mohitadio.com में जो भी फोटो पेक इंफॉर्मेशन डाला जाता है कौन डालता है? वो हम लोग डालते होंगे? हम नहीं डालते हैं, मेरा टीम डालता होगा पक्का. हम लोग डालते होंगे? हम लोग कहां से डालते होंगे? पहले अपना डिवाइस में बनाते होंगे ना. जैसे एडमिशन,
एडमिशन फॉर्म बनाया गया, एडमिशन का प्रोस्पेक्टस बनाया गया, फीस वगैरह कितना है, वो गो डैडी वाला डाल देगा बना करके, नहीं ना 299 रुपया। तो ये सब कौन बनाता होगा? जब तक वो मेरे डिवाइस में रहता है, समझ में आया, तब तक वो क्लाउड का सर्वर में नहीं जाता, तब तक वो रिसोर्स नहीं है। मोमेंट आई पब्लिश इट इन माई वेबसाइट, इट बिकम्स एक्सेसिबल टू यू ऑल। क्या जैसे हम अपना वेबसाइट में डालते हैं, वो क्या आप लोग भी एक्सेस कर सकते हैं? क्योंकि माई वेबसाइट इज अ क्लाउड। एनीथिंग इन वेबसाइट, एनीथिंग दैट आई डालो इन माई वेबसाइट, पब्लिश इन माई, यू ऑल कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सो इट इज अ क्लाउड। बट हु इज द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर? गोडैडी। मेरे लिए संभव, अच्छा संभव भी है, फिजिबल नहीं है हम बोलेंगे, क्योंकि इतना सारा डेटा जाता है कि मेरे को अलग से सर्वर बैठाना पड़ेगा क्या? फटाफट बताओ, फटाफट एकदम, क्या mohitagarwal.com का इंटरनेट पोर्टल ले रखे हैं? किससे इंटरनेट पोर्टल ले रखे हैं? गोडैडी वाला से। अच्छा उसका तो धंधा यही है, वो तो लाखों कंप्यूटर बैठा करके रखा है, सर्वर बैठा करके रखा है, कंप्यूटर मतलब सर्वर ना रे बाबा, टू स्टोर द डेटा। वो तो लाखों सर्वर इसलिए बैठा करके रखा है ताकि हम जैसे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके फ्री में, के रुपया लेकर के, उसका तो धंधा वही है। बट मेरा तो धंधा वो नहीं है। तो अब अगर हम भी ईगो में आ गए कि नहीं, इट्स नॉट सिक्योर, सिक्योरिटी नहीं है, मैं गोडैडी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, फेयर इनफ, फेयर इनफ, सिक्योरिटी नहीं है वहां पर, ठीक है, उतना टाइट सिक्योरिटी नहीं है। हम खुद का अपना एक पोर्टल बनाएंगे, इंटरनेट पोर्टल खुद का बनाएंगे। तो इंटरनेट पोर्टल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, चीज समझो। पहले तो आपको इंटरनेट पोर्टल खुद का अगर बनाना है, तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, वोडाफोन ले लो, एयरटेल ले लो, जियो ले लो, कैसे बच्चे हैं रे बाबा, तो वोडाफोन, एयरटेल, जियो, जो आपको इंटरनेट सर्विस क्या है प्रोवाइडर, उनसे मेरे को इंटरनेट पोर्टल यानी जगह लेना पड़ेगा, इंटरनेट का मेरे को जगह लेना पड़ेगा। बुद्धि में जा रहा है? अब उसका ज्यादा नहीं लगेगा, मान लो से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया लगा, 10,000 रुपया में मेरे को पोर्टल मिल जाएगा। पोर्टल मतलब आप यही बोल लो, यही समझ लो, www.mohitagarwal.com, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब में जगह लेना पड़ता है, वर्ल्ड वाइड वेब में जगह लेना पड़ता है, mohitagarwal.com मेरा जगह है वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, 10,000 रुपया लगा उसका। अब एक बात बताओ, मेरे को जो गोडैडी सारा डेटा कहां रखता है, सर्वर में, मेरे को एक सर्वर अलग से रखना पड़ेगा क्या? बोलो फटाफट, मेरे को एक सर्वर, एकदम एक्सक्लूसिव सर्वर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिससे हम काम कर रहे हैं लैपटॉप से वही सर्वर हो गया, नहीं, मेरे को एक अलग से कंप्यूटर रखना पड़ेगा जो सारा डेटा स्टोर करेगा। और ये जो कंप्यूटर जो मेरा सर्वर का काम करेगा, ये खाली स्टोरेज का काम करेगा, आप समझ रहे हैं, और या यूजर लोग को सर्व करेगा डेटा। अब ये 24/7 मेरे को चला करके रखना पड़ेगा। क्या आप रात को 2 बजे वेबसाइट खोलेंगे? खुलेगा? सुबह सुबह 4 बजे उठ करके वैसे बोलिए, क्यों खुलता है? क्योंकि जहां पर ये स्टोर्ड है वो कंप्यूटर चालू है। बुद्धि में नहीं जा रहा है तेरे, क्या बोला जा रहा है? mohitagarwal.com जिस सर्वर में इसका डेटा क्या है, स्टोर्ड है, क्या वो कंप्यूटर चालू होना चाहिए? कितना घंटा चालू होना चाहिए? 24/7। 10,000 रुपया मेरा इंटरनेट पोर्टल खरीदने का लगा, सर्वर एक कंप्यूटर खरीदे 50,000 रुपया, 24/7 जो चलेगा इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर चलाने का अलग, और जब 24/7 चलेगा ये कितना गर्म हो जाएगा, इसका अंदाजा है आपको? बोलिए, तो इसके लिए मेरे को एसी लगाना पड़ेगा, और एसी भी 24/7 चलेगा, 24 hours into 7। तो अगर एसी 24 घंटा चलेगा, सातों दिन चलेगा, उसका बिल अलग, एसी खरीदो अलग, बिल खरीदो अलग, बिल भरो अलग, बिल मान लो 20,000 रुपया तो आएगा ही, 30,000 रुपया, और महीना का बात कर रहे हैं।
आप एक एसी लगातार चलोगे महीना में 30,000 रुपए बिल नहीं आएगा आपका, 5,000-7,000 तो घर का एसी का आ जाता है, तो ये तो 24x7 चलेगा 30,000। अब ये डर रहेगा कि मेरा सर्वर को मेरा जो दुश्मन लोग है वो हैक करने का कोशिश नहीं करे, कि उन लोग ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान से तो हरा कभी नहीं सकेगा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा, मेरा सर्वर में उल्टा सीधा कुछ डाल दिया तो, mohit.com में कुछ उल्टा सीधा डाल दिया तो, नहीं समझा रहे बाबा। अब उसके लिए मेरे को एक फुल टाइम आईटी प्रोफेशनल रखना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए, अब महीना का 50,000 रुपया वो लेगा अगर ढंग का कोई रखे तो। मैं क्लाउड बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, बोलो क्यों नहीं बना सकता। क्लाउड बनाने के लिए मेरे को इंटरनेट पोर्टल चाहिए, यानी इंटरनेट में जगह चाहिए। किससे मिलेगा मेरे को इंटरनेट में जगह? गोडैडी से। हट, हाँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट पोर्टल मैंने खरीदा, उसका 10,000 रुपया लगा। मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, 50,000 रुपया लगा। और क्या क्या खरीदा? एसी और फिर उसका बिल। अरे बोलना, बोल बोल बोल। एसी का कितना? 30,000। बिल 30,000। और बोल आईटी प्रोफेशनल कितना? 50,000। चल कंप्यूटर एक फिक्स कॉस्ट है, एसी एक फिक्स कॉस्ट है, उसको हटा दे तुम। साल भर का खर्चा देख, उसका डिप्रिसिएशन लेंगे? डिप्रिसिएशन क्यों नहीं लेंगे? रुक, इंटरनेट पोर्टल का लाइसेंस फीस साल भर का लगता है 10,000 रुपया। 30,000 कितना? 40,000। आईटी प्रोफेशनल सिक्योरिटी वगैरह से बचा करके रखे, और एक स्टाफ भी तो अलग रखना पड़ेगा जो डेटा वगैरह डालेगा उसके अंदर, तो उसका 10,000 रुपया कितना? लाख रुपया। और 80,000 का डिप्रिसिएशन ठोक दे, हाँ वो लाख रुपया महीना का है तो 12 लाख हो गया साल का। लाख रुपया महीना, साल का कितना? 12 लाख। इसका 20% डिप्रिसिएशन ठोक दे, 80,000 का 20%। छोड़ना मत ठोक, छोड़ दे, चोरी करके लाए थे ये, छोड़ो। फिर भी मेरा साल का कितना लगेगा? 12 लाख। तो अगर मैं क्लाउड बनाया अपना ईगो ऊपर रख करके, 12 लाख रुपया लगेगा। इसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। क्या बोलते बताओ ना? ये और कौन कौन यूज कर सकेगा? कोई नहीं, सिर्फ हम, सिर्फ मैं। ये होता है प्राइवेट क्लाउड। बट मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं कि 12 लाख रुपया प्राइवेट क्लाउड बना करके खर्चा करूंगा। आई डोंट नीड इट, नहीं चाहिए 12 लाख रुपया। थोड़ा लेस सिक्योरिटी होगा, चलेगा। नहीं समझा रहे बाबा। और यहां पर गोडैडी जो मेरा सारा सर्वर्स मेंटेन कर रहा है, नहीं समझा रहे बाबा। गोडैडी मेरा क्या मेंटेन कर रहा है? सर्वर। सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है क्या? सर्वर भी मेंटेन कर रहा है। कम ऑन, सिक्योरिटी भी मेंटेन कर रहा है। कौन? कितना रुपया ले रहे मेरे से साल का? कितना लिया सर? चलना 30,000 ले लेना जीएसटी वगैरह लगा करके आजकल। फिर भी कहां साल का 12 लाख और कहां साल का 30,000? कोई डिफरेंस कंपैरिजन ही नहीं है। कहां 12 लाख रुपया साल का और कहां 30,000 रुपया? और वो भी 30,000 रुपया देकर के भी मेरा कोई झमेला वगैरह भी तो नहीं जा रहा ना। यहां 12 लाख रुपया डैश खर्चा भी करेंगे ना, फिर भी मैं जा करके एक बार रुको, मैं अपना क्लाउड देख करके आता हूं। ये जो आईटी प्रोफेशनल है कहीं, ये तो बदमाश नहीं है? नहीं समझा रहे बाबा। मैं देख करके आता हूं मैनेजमेंट ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मेंटल पीस भी तो नहीं रहेगा रे बाबा। जगह ऑक्यूपाइड होगा, मेंटल पीस नहीं रहेगा। और वहां 30,000 में देखो, सिक्योरिटी का भी जिम्मेदारी उसका, मेंटेनेंस का भी उसका, स्टोरेज का भी उसका, मिला ही नहीं है। अगर खुद बनाएंगे तो क्या है? प्राइवेट क्लाउड। आप भी क्या गोडैडी को यूज कर सकते हो? क्योंकि ये प्राइवेट क्लाउड है कि पब्लिक क्लाउड है? ये पब्लिक क्लाउड है जो पब्लिक बनाया गया है, पे पर यूजर बेसिस। बोलो मुखोल करके, अब पे करिए, यूज करिए। हॉटस्टार, ये सब पब्लिक क्लाउड है। हॉटस्टार, यूट्यूब, गूगल ड्राइव, ये सब प्राइवेट क्लाउड है कि पब्लिक क्लाउड है? अब पब्लिक क्लाउड क्या पैसा लेगा आपसे? कुछ कुछ फ्री रहते हैं, कुछ कुछ पैसा लेते हैं। हॉटस्टार, आप जैसे हॉटस्टार में जाओगे आपको बोलेगा, आता है क्या हॉटस्टार प्रीमियम में? आता है क्या? आप लोग बोले क्रिकेट देखते हैं हॉटस्टार में, तो जब हॉटस्टार ऑन करते हैं उसमें दिखाता है हम लोग का क्रिकेट फीड जो 5 मिनट देरी से आता है फ्री वाला। अगर एकदम लाइव चाहिए तो पैसा दे, पॉकेट में क्लाउड यूज करेगा ना, नॉनसेंस। हॉटस्टार प्राइवेट क्लाउड है कि पब्लिक क्लाउड है? तो उसको क्या फायदा होगा? समाज सेवा के लिए बनाया है हॉटस्टार कि पैसा कमाने के लिए?
तो तुम लोग फ्री में अगर देखेगा मूवी और क्रिकेट तो क्या होगा, तो क्रिकेट बेटा 5 मिनट देरी से तुमको डेटा देता है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होता, बोलता है फॉर लाइव स्ट्रीमिंग यू नीड टू बाई। हाँ जोड़ो जो लोग हॉटस्टार भी खरीद रखा है, फुल एंड हॉटस्टार का मंथली सब्सक्रिप्शन 199 रुपया देता है, हम देते हैं फुल एंड, तो हम जैसे लोगों से चलता है उसका धंधा। गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव फ्री है क्या? तुम लोगों को लगता है फ्री है? गूगल ड्राइव बोलोगे अप टू 10 GB मेरे ख्याल से वो फ्री देता है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करोगे तो 15 GB भी दे दे, हो सकता है 15 GB देता है। बट मेरा तो इतना सारा फाइल्स है, दुनिया भर का फाइल है, कि उसका मैसेज आया, ईमेल आया, तुम्हारे लिए जो हम लोग सर्वर में जगह रखे थे ना मोहित अग्रवाल, वो तुम खत्म कर दिया है। नहीं समझा? गूगल ड्राइव मेरे को मेल किया, हम उसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जैक्ट टर्म्स अगर बताएंगे, वो तो खाली बोला पैसा दे दो और चाहिए तो, बट हम उसको समझा रहे क्लाउड के लैंग्वेज में। वो बोला 15 GB जो तुम्हारे सर्वर में जगह बनाए थे ना वो तुम यूज कर लिया, हम लोग इतना ही तक समाज सेवा करते हैं, उसके ऊपर हम लोग को पैसा चाहिए, तब हम लोग तुम्हारा और सर्वर में जगह बढ़ाएंगे। क्या उनके पास सर्वर रेडी है? हाँ, बट मेरे को उन लोग 15 GB का स्पेस दिया था क्या? स्टोर कहां हो रहा है, मेरे पास हो रहा है कि उनका सर्वर में? तो उनका सर्वर में क्या हम सारा सर्वर हम ही यूज कर ले? तो उन लोग 15 GB तक फ्री अलाउ किया, उसके बाद बोलता पैसा दो, कितना 1300 रुपया या 1400 रुपया जो है उन लोग लेते साल का। अब मान लो मेरे को उन लोग और बोला 20 GB और 20 GB देंगे, 1500 रुपया दे दिए, वो भी खत्म, फिर मिलाएगा। तुम इतना सारा फोटो खींचता है और इतना सारा तुम फाइल डाउनलोड करता है, इतना सारा तुम फाइल हम लोग का सर्वर में जगह, कि तुम्हारा जो खरीदा हुआ जगह वो भी खत्म हो गया, तुमको और मांगता क्या? तो इतना रुपया दो और इतना जीबी ले लो। हम जैसे ही क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं मेरा को और मिल जाता है। ये पब्लिक क्लाउड का फायदा है। प्राइवेट क्लाउड में क्या, आपका सर्वर कितना भी स्टोर कर सकता है? आप कितना सर्वर रखे थे प्राइवेट क्लाउड में? एक तो उसका तो लिमिटेड कैपेसिटी है, मेमोरी कैपेसिटी कैसे बचा है रे बाबा, उसका रैम तो लिमिटेड है, बोलिए बढ़ा दो रैम, एक नन्ही सी जान कितना ले सकेगा? हम अनाप शराब सारा डेटा डालेंगे, डाला जाएगा क्या? तो फिर आपको और सर्वर लाना पड़ेगा, वो तुरंत तो नहीं होगा, बट पब्लिक क्लाउड में क्या होगा? तुरंत। इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। क्या बोलते बताओ ना? प्राइवेट क्लाउड में स्केलेबिलिटी तुरंत नहीं होता और मुश्किल होता है, एक लिमिट के बाद नहीं हो सकेगा, बट पब्लिक क्लाउड में उन लोगों के पास अनाप शनाप सर्वर है, जितना चाहे आप स्केलेबल कर लो। प्राइवेट क्लाउड इज स्केलेबल कि लेस स्केलेबल? अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी पब्लिक क्लाउड। बुद्धि में जा रहा है? हाथ उठाओ जो लोग गूगल ड्राइव के लिए पैसा दिया। फुल एंड क्या स्टोर किया भाई? हम तो अपना मैट स्टोर किए दुनिया भर का। अच्छा, नहीं तो लोग शंका के नजर से देखते आपको। नहीं, एक एक मूवी 3-3 घंटा का रहता है। अरे बेसर, ये पब्लिक क्लाउड वाला लोग क्या चैरिटी करता है कि पैसा कमाता है? कैसे पैसा कमाता है? यूजर्स लोग से। बुद्धि में जा रहा है? सर फेसबुक वाला तो रुपया नहीं कमाता, यूट्यूब वाला तो रुपया नहीं, हट। तुम लोग यूज करता है ना, तुम लोग से नहीं लेता, बट तुम लोग को यूज करने के पहले शर्त लगाता है, पहले एड देखो, यू कैन नॉट स्किप द एड, देखना पड़ेगा, तो एड वाले से कमाता है। नहीं समझा रहे बाबा, बट कमाता तो है। अब तुम लोग यूजर है क्या? तुम लोग यूट्यूब यूज कर रहा है क्या? फेसबुक यूज कर रहा है क्या? तो फेसबुक और यूट्यूब वाला लोग तो कंगाल हो जाएगा, इतना सारा सर्वर उन लोग को मेंटेन करना पड़ता है, तो उन लोग कैसे पैसा कमाता है? आप यूट्यूब में जाइए, मेरा वीडियो जाइए यूट्यूब में, आपको एड दिखाएगा उन लोग। आप जाइए ना यूट्यूब में वीडियो देखने, आपको एड दिखाएगा उन लोग। बोला नहीं, पहले एड देखो, यू कैन स्किप दैट ओनली आफ्टर 5 सेकंड 10 सेकंड। बुद्धि में जा रहा है? वहां से पैसा कमाता है, फेसबुक एड करता है वहां से पैसा कमाता है। बुद्धि में जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? तो सब पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लोग पैसा कमाता है। अपने को सर्विस प्रोवाइडर के बारे में चिंता नहीं करना, अपने को अपने बारे में सोचना है, यूजर के बारे में सोचना है। हम लोग बिजनेस वाले हैं, आप लोग को बिजनेस के बारे में सोचना है। बताओ बिजनेस के लिए, स्मॉल मीडियम बिग बिजनेसेस के लिए ऑल क्लाउड बढ़िया है कि ये प्राइवेट क्लाउड बढ़िया है कि पब्लिक क्लाउड? अनलेस यू योरसेल्फ आर अ सर्विस प्रोवाइडर। हे भगवान,
आईसीआईसीआई बैंक, नाम ही नहीं सुना है। अब आईसीआईसीआई बैंक सोचो क्या डेटा क्लाउड में स्टोर करता होगा? नहीं, ओले बाबा। अगर आईसीआईसीआई बैंक डेटा क्लाउड में स्टोर नहीं करेगा, आईसीआईसीआई बैंक अपना हेडक्वार्टर हेड ऑफिस में स्टोर करेगा। अगर उसका हेड ऑफिस में अर्थक्वेक आके आग लग गया तो गया। किसके पास कितना रुपया है पता नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। आप लोग अरबों रुपया बैंक में जमा किए हैं, लेकिन हम लोग डेटा क्लाउड में नहीं रखे, हम लोग अपना हेड ऑफिस में रखे थे, हेडक्वार्टर में रखे थे। आग लग गया सारा ब्रांच में एक साथ आग लगा, बोलना। और ऐसे भी ब्रांच में डेटा स्टोर नहीं होता है, हेड ऑफिस में स्टोर होता है। हेड ऑफिस में आग लग गया, अब किसको कितना पैसा लौटाऊं? ये नॉनसेंस, 10 रुपया जमा किया था, बोलता है 1000 करोड़ है इसका, और भाड़ा का मर्सिडीज में भी आया था कि लगे। बर्बाद हो जाएगा सब लोग, आग लग जाएगा। नहीं समझा? तो इसलिए इन लोग कहां डेटा स्टोर करता है बेटा, जब मेरे जैसा ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड में स्टोर कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी तो क्लाउड में स्टोर करता होगा। नहीं समझा? तो अगर कल को ये अनहोनी हो भी गया, चिंता मत करना, डरना मत, तुम्हारा सारा डेटा सेफ है। कहां पर? कौन है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर? प्राइवेट। मेरे को पता था तुम लोग यही बोलेगा कि आईसीआईसीआई बैंक तो सर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि वो तो प्राइवेट क्लाउड मेंटेन कर। फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुमको समझ में नहीं आ रहा यार, आईसीआईसीआई बैंक अपना बैंकिंग का धंधा करेगा कि 1 लाख कंप्यूटर 2 लाख कंप्यूटर और 5-6 बिल्डिंग में सर्वर बैठाएगा? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक राइट नाउ। आईसीआईसीआई बैंक को सरपास कर दिया एचडीएफसी। नाउ दीज आर द 2 लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। नाउ कैन यू इमेजिन इतना सारा डेटा होगा कि 1-2 लाख सर्वर के बिना इनका कुछ आनी जानी ही नहीं है, और 1-2 लाख सर्वर के लिए इनको कितना बिल्डिंग बैठाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? बोलो। बैंकिंग का धंधा नहीं करेंगे, 1 साल बैंकिंग 1 साल क्लाउड। तो इवन आईसीआईसीआई बैंक कैन नॉट मेंटेन प्राइवेट क्लाउड, वो भी पब्लिक क्लाउड यूज करता है, अमेज़न। हाँ सर, हम लोग भी ऑनलाइन खरीदते हैं अमेज़न से। लगा दिया छोटा बुद्धि, लगा दिया। अमेज़न का मेन धंधा क्या है? ई कॉमर्स। गलत। तुमको खाली पता है कि अमेज़न जो है अपनी दुकान, तो तुमको लगता है बेटा वो आटा चावल ही बेचता है और कपड़ा लत्ता बेचता है और मोबाइल वगैरह बेचता है। अमेज़न का सबसे बड़ा धंधा है अमेज़न वेब सर्विसेज, AWS। आप जो अमेज़न सोच रहे हैं ना, ये वही अमेज़न है। इसका सेकेंडरी धंधा है ई कॉमर्स, इसका मेन धंधा है अमेज़न, अमेज़न वेब सर्विसेज। अमेज़न इज द, बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं क्या? गूगल इज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या? YouTube इज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या? नो, YouTube इज अ क्लाउड, इट इज नॉट अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। mohit.com इज अ क्लाउड, इट इज नॉट अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। YouTube इज ओन्ड बाय गूगल, सो व्हेन गूगल इज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, इट रन्स गूगल ऑल्सो, गूगल ड्राइव ऑल्सो, YouTube ऑल्सो। mohit.com इज क्लाउड क्या? इट इज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या? कि GoDaddy इज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, देयर इज अ डिफरेंस इन क्लाउड एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। YouTube is a cloud. YouTube is a cloud service provider. No, because it is owned by Google. Google का अपना है, वो अपना बना रखा है डेटा सेंटर। Google का अपना डेटा सेंटर है क्या? Facebook अपना डेटा सेंटर है क्या? तो Google का अपना डेटा सेंटर है, Facebook का, जिसका अपना सब कुछ है वो है सर्विस प्रोवाइडर। अब Amazon Web Services, AWS, GoDaddy, ये सब है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। आपको बताया सबसे बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन है? Amazon, जिसको तुम सोचते हो अपनी दुकान। GoDaddy इज नॉट इवन द टॉप 10, ये तो हिंदुस्तान का है रे बाबा, ये तो हम जैसे लोगों के लिए GoDaddy, हिंदुस्तानी है, समय लगेगा। Amazon इज द बिगेस्ट, रैंक नंबर वन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। क्या आपको इतना कुछ बोले क्लाउड के बारे में
पूरा अंदर जा चुका है। आप बताइए आईसीआईसी बैंक किसको यूज करता है, किसका? गोडैडी का, गोडैडी का। कोई सिक्योरिटी नहीं होगा गोडैडी में, पता चला ब्रीच हो जाएगा। नहीं समझा रहे बाबा? तो एकदम नंबर वन को यूज करता है आईसीआईसी बैंक, एकदम नंबर वन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को यूज करता है, जैसे AWS। अब उन लोग आईसीआईसी बैंक का सारा डेटा अपने सर्वर में लोकेट करके रखा है, उसका बैकअप भी उन लोग पता नहीं कितना सारा सर्वर में लेकर के रखा होगा, और अलग अलग बिल्डिंग में लेकर के रखा होगा, अलग अलग लोकेशन में। अमेज़न वेब सर्विस क्या सर्वर रखता है? उसमें आईसीआईसी बैंक का डेटा है क्या? बैकअप है? कितना ठो होगा? बहुत सारा, अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग बिल्डिंग में। नहीं समझा रहे बाबा? और कितना उन लोग सिक्योरिटी मेंटेन करता होगा, समझ में आ रहा है? अनाप शनाप सिक्योरिटी मेंटेन करता होगा, चाहे वो AWS हो, चाहे वो गूगल वाला लोग हो, चाहे वो फेसबुक वाला लोग हो, ताकि हम लोग का डेटा क्या रहे, सेफ, गलत हाथों में नहीं जाए। जब हम लोग पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर, जब बड़ा बड़ा आईसीआईसी बैंक लोग कॉन्ट्रैक्ट करता है ना कि AWS हम तुमको चुनेंगे, लेकिन अगर डेटा लॉस हो गया, डेटा आपका हैक हो गया, डेटा लॉस हो गया, ऐसा ऐसा इन लोग पेनल्टी लिख करके रखता है ना कि आप विश्वास ही नहीं कर सकेंगे। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब वर्चुअली फिजिकली सब कुछ इम्पॉसिबल है, डेटा हैक हो जाना और डेटा लॉस हो जाना। आईसीआईसी बैंक AWS को बोल देगा, अगर डेटा लॉस हुआ $1,000 करोड़ का पेनल्टी। नहीं समझा रहे बाबा? तो सोचो डर किसको लग रहा होगा, आईसीआईसी बैंक को लग रहा होगा। तो आईसीआईसी बैंक तो निश्चिंत हो गया, अब बैंक का डेटा गया गया तो पैसा आएगा वहां से। नहीं समझा रहे बाबा? तो आईसीआईसी बैंक खाली किसके ऊपर फोकस कर रहा है? अपना बैंकिंग ऑपरेशंस के ऊपर, विदाउट वरिंग अबाउट द डेटा स्टोरेज। क्या आईसीआईसी बैंक को पता है कहां है उसका सर्वर? बोलो नहीं। AWS इज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, दोनों के सीईओ लोग बैठ करके डील कर लिए होंगे। नहीं समझा रहे बाबा? अब गूगल ड्राइव में अगर हम डेटा खरीदेंगे, हम 1300 रुपया देंगे, क्या गूगल ड्राइव का सीईओ आएगा क्या मेरे से बात करने? बट आईसीआईसी बैंक जब अपना डेटा देगा तो सोचो कितना पेमेंट करेगा, करोड़ रुपया का पेमेंट करेगा। तो उसका सीईओ और उस आईसीआईसी बैंक का सीईओ बैठ करके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब डर किसको रहेगा डेटा का? AWS को। कुछ भी ब्रीच हो गया तो AWS का गला पकड़ा जाएगा, तो वो इतना मल्टीपल बैकअप्स रखता होगा मल्टीपल लोकेशंस पर कि आपको टेंशन नहीं। अगर आईसीआईसी बैंक में डकैती भी हो गया, सब कुछ चोरी चमारी भी हो गया, फिर भी डेटा रहेगा? आग लग गया फिर भी डेटा रहेगा? अमेज़न का ऑफिस में आग लग गया तो बैकअप रहेगा उसके पास, मल्टीपल बैकअप्स। आर वी थ्रू विद दिस? दिस इज क्लाउड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब जो हम पूछे मेरे को फटाफट बताओ, प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड में जो हम पूछे मेरे को बताओ। प्राइवेट क्लाउड जो रहता है, इट इज एडमिनिस्टर्ड एंड ओन्ड बाय द बिजनेस इटसेल्फ। प्राइवेट क्लाउड जैसे हम बनाए ना रे बाबा इतना रुपए खर्चा करके, तो ये तो मोहित अग्रवाल सर ही ओनर रहेंगे ना रे बाबा। तो प्राइवेट क्लाउड इज एडमिनिस्टर्ड एंड ओन्ड बाय द बिजनेस इटसेल्फ क्या? पब्लिक क्लाउड इज ओन्ड बाय द बिजनेस इटसेल्फ की थर्ड पार्टी? हाँ, तो अगर हम ओनरशिप पूछे, प्राइवेट क्लाउड का ओनरशिप बिजनेस के पास है, पब्लिक क्लाउड का ओनरशिप थर्ड पार्टी? स्केलेबल, ज्यादा स्केलेबल प्राइवेट है कि पब्लिक है? प्राइवेट क्लाउड इज लीस्ट स्केलेबल, पब्लिक क्लाउड इज अनलिमिटेड स्केलेबल। पैसा दो स्केलेबल करो, स्केलेबल मतलब समझ आ रहा है, स्टोरेज, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दो। मेरा जहां गूगल ड्राइव में स्पेस खत्म हुआ, पैसा हम क्रेडिट कार्ड से फेंकेंगे नैनो सेकेंड्स में। क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी सेव किया हुआ है, पे का बटन दबाए, पेमेंट हुआ, बस स्टोरेज मिल गया, 5 सेकंड का खेला है, 5 सेकंड में मेरे को स्केलेबल करना है, स्केलेबल कर दिया, बुद्धि में नहीं जा रहा है। फिर ये तो हर महीना देना पड़ता है, हर साल देना पड़ता है। अब मान लो हम सारा डेटा डिलीट कर दिया, अब हमको उतना नहीं चाहिए, हम उसको बोल देंगे भैया हम तुमको 1 रुपया देने वाले हैं, नहीं है मेरे को फ्री जीबी, जो 200 GB मेरे को फ्री था ना वो दे दो। आप समझ रहे हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते बताओ ना, मतलब जब चाहिएगा तो बढ़ा देंगे, जब नहीं चाहिएगा तो घटा देंगे। अच्छा प्राइवेट क्लाउड तुम मान ले बढ़ा दिया, घटा देगा क्या? अब नहीं चाहिए तो कंप्यूटर को गंगा जी में फेंकना पड़ेगा ना रे बाबा, समझ आ रहा है? तो स्केलेबल एंड इलास्टिसिटी कहां ज्यादा है?
पब्लिक क्लाउड में, प्राइवेट क्लाउड में तो है ही नहीं, ना के बराबर है स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। आप खरीद लिए, आप क्या गंगा जी में फेंकेंगे क्या? तो फिर इलास्टिसिटी है कहां प्राइवेट क्लाउड में? ये अगर नहीं बोल सका तो तुमको गंगा जी में फेंक देना चाहिए। लेस कॉस्ट, पब्लिक क्लाउड में क्या है, लेस कॉस्ट, एंड प्राइवेट क्लाउड इज एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लाउड इज प्राइवेट क्लाउड। ये बता, ज्यादा सिक्योरिटी प्राइवेट, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, प्राइवेट क्लाउड इज मोर सिक्योर। अरे वो तो मेरे अंडर है ना, पब्लिक क्लाउड तो किसके अंडर है मेरे को वही नहीं पता, किसके अंडर है, क्या कर रहा है गोडेडी पता नहीं सर। लेकिन AWS वगैरह उनका क्रेडिबिलिटी अलग है, पर हम तो गोडेडी के पास रख रखे हैं। जहां उसको कोई कंप्यूटर जाकर के बोला है 10 लाख देंगे डेटा लीक कर, बोला हाँ वो तो वैसे 10-10 हजार 20-20 हजार रुपया देते हैं साल का, तुम 10 लाख रुपया एक बार में दे ले जा, समझ आ रहा है। बट प्राइवेट क्लाउड क्या ज्यादा सिक्योर, पब्लिक क्लाउड में लेस सिक्योरिटी। अभी थ्रू विद दिस, अब ICICI बैंक अगर खुद का प्राइवेट क्लाउड बनाएगा सिक्योरिटी तो ज्यादा रहेगा ना रे बाबा, चाहे कुछ भी, सिक्योरिटी तो ज्यादा रहेगा। फटाफट एक पॉइंट ओनरशिप से, ओनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट क्लाउड रिमेन्स विद द बिजनेस इटसेल्फ। प्राइवेट क्लाउड का जो ओनरशिप एंड क्या है किसके पास रहेगा, बिजनेस के पास रहेगा हाँ, और पब्लिक क्लाउड का थर्ड पार्टी। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओनरशिप, स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी प्राइवेट में नहीं है, पब्लिक में अनलिमिटेड है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्राइवेट में ज्यादा सिक्योर है, पब्लिक में कम सिक्योर है। कॉस्टली, प्राइवेट ज्यादा कॉस्टली है, पब्लिक लेस कॉस्टली है। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी कहां कम है, प्राइवेट क्लाउड में लेस अवेलेबिलिटी है ना रे बाबा, बट पब्लिक क्लाउड में स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड रह सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज इज अनलिमिटेड, अवेलेबिलिटी इज लेस इन प्राइवेट क्लाउड मोर इन पब्लिक क्लाउड। हम इतना सब कुछ बताए, बुद्धि में जा रहा है ये सब, कम से कम 5-6 पन्ना खत्म कर देंगे आज क्लाउड का। और दो किस्म के क्लाउड होते हैं, ये तो प्राइवेट पब्लिक क्लाउड हुआ, एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। क्या होता है, हम हाइब्रिड क्लाउड पढ़ाएंगे और कम्युनिटी क्लाउड पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। और दो क्लाउड है, 4 प्रकार के क्लाउड होते हैं, प्राइवेट, प्राइवेट हो गया पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक बुद्धि में गया एकदम अच्छे से मेरे बच्चों। तीसरा हाइब्रिड सिखाएंगे एंड कम्युनिटी। बट हम क्या बोल रहे ना, आपको जब तक वो चीज दिखाएंगे नहीं ना, अभी भी कुछ आदम जमाने का, चलो सर क्लाउड दिखाइए ना, क्या हम क्लाउड दिखा सकते हैं, क्या है क्लाउड, सर्वर जहां पर डेटा क्या हो रहा है स्टोर। आइए हम आपको कुछ कंपनियों का क्लाउड दिखाते हैं, जो हम आपको बोल रहे थे ना, उन लोग लाखों कंप्यूटर रख के रखा होगा अलग अलग बिल्डिंग में, आपको पूरा चीज दिखाते हैं, जीवन में नहीं भूलोगे। देखिए गूगल डेटा सेंटर, रीस्टार्ट एक बार, रीस्टार्ट। हाँ स्टार्ट, लॉट ऑफ कूलिंग, 2, 3, 4, 5 ये देख, पूरा का पूरा एनवायरमेंट भी देखता है बोलता है।
अब उन लोग खेल कूद कर रहा है, सर्वर में डाटा स्टोर हो रहा है। खाली देखो कैंपस देखो उन लोग का, लेवल ऑफ सिक्योरिटी दैट नो अदर कंपनी कैन मैच। ये है क्लाउड, दिस इज क्लाउड। Alligators present. The corridor which leads to the data center, that's a security. High level of security. And the data center and the networking rooms are the highest level of security. And the technologies we use are different. Like, for instance, in our highest level areas, we even use underfloor intrusion detection via laser beams. So I'm going to demonstrate going into the secure corridor. Ja rahe hai bhai sahab. पहले फिंगरप्रिंट फिर आईरिस स्कैनर। एटी डिग्रीज कितना पावर जनरेट हो रहा है? मेरा डेटा यहीं कोई पर है गूगल ड्राइव वाला, बट मेरे को पता नहीं है। खाली सर्वर सर्वर बोले जा रहे हैं जब से चालू हुए। खराब हो गया ले गया। खराब होने के बाद देखो कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। कूलिंग टेक्नोलॉजी देखना, खत्म होने वाला है। ये सर्वर है, ये कूलिंग मशीन है। थैंक यू। या तो कैसा लगा देख करके? ये नहीं, इसके पहले जो वीडियो देखे फील आया क्लाउड का? जो हम बोल रहे थे क्लाउड लाखों कंप्यूटर्स होगा, आपको क्या मजाक लग रहा था? वो प्राइवेट क्लाउड था गूगल का कि पब्लिक क्लाउड? अरे हम लोग को अलाउ कर रहे हैं ना यूज करने देने के लिए, बोले हम दिखाए भी थे आपको मेरा डेटा वहां है, बट पता नहीं मेरे को वहां है कि नहीं, लोकेशन मेरे को पता नहीं। तो वो था पब्लिक क्लाउड। अब क्या आईसीआईसी बैंक के लिए पॉसिबल है? क्या ये आईसीआईसी बैंक के लिए पॉसिबल है कि वो ऐसे ही इतना बड़ा बिल्डिंग कैंपस बना ले? उतना उसका बड़ा हेडक्वार्टर नहीं होगा जितना गूगल का क्लाउड सर्विस का फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। समझ में आया? प्राइवेट क्लाउड पब्लिक क्लाउड, लवली लवली। आइए आप लोग अपना बैट खोल लीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक दिखाई दे रहा होगा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर फोर के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक निकल लीजिए। पेज नंबर अभी हम बता नहीं रहे हैं क्योंकि जो मैट फिनिश होकर के आ रहा है उसका पेज नंबर जो है
75-76 के आसपास रहेगा, 70-80 के बीच में रहेगा, देख लीजिए एक बार. क्लाउड कंप्यूटिंग, डिड यू फाइंड इट? क्या क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली मीन्स द यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेस. वी आर यूजिंग द कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, मतलब कंप्यूटर का रिसोर्सेस को क्या कर रहे हैं, यूज एज अ सर्विस थ्रू नेटवर्क. विच नेटवर्क डू वी यूज? इंटरनेट. अरे कौन सा नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं? इंटरनेट. इंटरनेट इज ऑल्सो नेटवर्क ना. तो कितना आसान भाषा में आपको समझाए थे हम कि क्लाउड मीन्स एक्सेसिंग द रिसोर्सेस बाई इंटरनेट. तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बगल में आप खुद से भी लिख दो अपने लैंग्वेज में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बगल में. इट मीन्स एक्सेसिंग, इट मीन्स एक्सेसिंग द रिसोर्सेस, by internet, accessing the resources by internet. Anytime, anywhere, मतलब समझ में आ रहा है? दुनिया में हम लोग कहीं पर भी हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, गूगल कॉमा गूगल ड्राइव कॉमा यूट्यूब, गूगल कॉमा गूगल ड्राइव कॉमा यूट्यूब कॉमा फेसबुक, गूगल कॉमा गूगल ड्राइव कॉमा यूट्यूब कॉमा फेसबुक कॉमा ऑल वेबसाइट्स ऑफ इंटरनेट, ऑल वेबसाइट्स ऑफ इंटरनेट कॉमा एप्स लाइक क्या क्या है, गाना, क्या गाना.com उस ऐप का नाम ही तो गाना.com है. एप्स लाइक गाना.com कॉमा सावन कॉमा हॉटस्टार, एग्जाम में लिखना है ये सब. एप्स लाइक गाना.com कॉमा सावन कॉमा हॉटस्टार, हॉटस्टार लिखा, आर ऑल क्लाउड्स. और जगह है तो हम लिखवाएंगे. कहां लिखोगे? पेज के टॉप पर बॉटम पर बेटा लिख लो ये सब, फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टोर our data, for example if we store our data, bracket में लिखो, data के bracket में लिखो phone number, pics, videos, files. क्या store करता है तुम लोग? Phone number, pic, video, files, bracket close. In a cloud called Google Drive, and then even if we delete all those pics, comma, videos, comma, and then even if we delete all those pics, comma, videos, comma, even if we delete all those pics, comma, videos, comma, files, comma, phone numbers, even if we delete pic, video, files, phone numbers, from our phone or our computer, क्या हम लोग फिर भी एक्सेस कर सकेंगे? कहां से? गूगल ड्राइव से ना. स्टिल वी विल बी एबल टू एक्सेस
then still we will be able to access them. Still we'll be able to access them from Google Drive. Still we'll be able to access them from Google Drive. Still we'll be able to access them from Google Drive by internet connection. By internet connection. But we will not know. But we will not know. The location. But we will not know the physical location. We will not know the physical location. We will not know the physical location. Of the server. We will not know the physical location of the server which Google Drive is using to store our data. Which Google Drive is using to store our data. Which Google Drive is using to store our data. Humko nahi pata. Mere ko bhi pata Google Drive ke paas hai. But kaun se server mein hai, mere ko uska physical location nahi pata. Will not be able to know the location of the physical server, physical location of the server which Google Drive has used to store our data. Ye jo hum pura aapko haathon se likhwaye hain, cloud ka matlab wo ek baar padho khud se. Pura ek baar go through kar lo. Classic example hum Facebook ka bhi karke dikhaye the na aapko. Facebook ka picture jab mere camera mein tha, jab tak mere tab tak wo cloud nahi tha. But jaise hi hum cloud mein dal diye, kya hum usko internet se access kar sakte hain? Fir hum phone se delete bhi kar de. Delete kar diye the na apna photo. या फिर भी वो फेसबुक में रहेगा बट उसका सर्वर का मेरे को पता है क्या नहीं उसका मेंटेनेंस मैनेजमेंट का कोई मेरा हेडेक नहीं सिक्योरिटी का भी हेडेक नहीं पढ़ो जो हम लिखवाएं एक बार उसको I think it's done. अब चलिए पढ़ते हैं. Notes पढ़िए आप लोग अपना. The internet is commonly visualized as cloud. Cloud बोलता है कुछ नहीं है, but internet ही है. क्योंकि बिना internet के हम लोग कुछ भी use करने वाले नहीं. Internet नहीं तो cloud भी नहीं. Hence the term cloud computing for computation done through the internet. तो आप जो भी internet के through हम तो बोले ना, जो भी चीज internet में वो cloud है. बोले कि नहीं बोले बताओ तो. क्या वेबसाइट जो इंटरनेट में डाले वो क्लाउड है? अब ऊपर में वेबसाइट का एग्जांपल लिखे थे क्या? जब क्लाउड का एग्जांपल लिख रहे थे उसमें वेबसाइट लिखा था क्या? हाँ? अच्छा अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर जब हम लोग आए थे तो हम लोग को पता नहीं था क्लाउड क्या है. हम लोग को ये नहीं समझ आ रहा कि क्लाउड क्या नहीं है. जब आए थे नहीं पता था क्लाउड क्या है. अब जब जा रहे तो ये नहीं समझ आ रहे डेस्क कौन सा क्लाउड नहीं है. हे भगवान, मेरा पीसी, मेरा जो पर्सनल कंप्यूटर है क्या वो क्लाउड है? उसके अंदर का डेटा जो है क्या वो क्लाउड है? ये लैपटॉप क्लाउड है? ये टैब क्लाउड है? बनाया तुम्हारे मोबाइल के अंदर जो डाउनलोडेड वीडियोस है, डाउनलोडेड सॉन्ग्स है, मतलब जो भी चीज इंटरनेट में नहीं दिया हुआ है वो क्लाउड नहीं है. जो चीज इंटरनेट में चला गया वो क्लाउड बन गया, जो चीज इंटरनेट में नहीं गया वो क्लाउड नहीं है. मैं एक ड्राइंग बनाया और यहां सेव कर लिया. मैं ड्राइंग बनाया सेव कर लिया. मैं एक एक्सेल शीट बनाया हिसाब किताब करने के लिए और सेव कर लिया. पक्का मेरे पास डाउनलोडेड है वो क्लाउड नहीं. अब क्लियर है क्या क्लाउड है क्या क्लाउड नहीं है? जैसे मैंने एक वीडियो अपने बच्चों के साथ शूट किया,
और वो बहुत पर्सनल है, हम नहीं डाले फेसबुक में, क्लाउड नहीं है पक्का। लवली विथ क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर कैन एक्सेस, देखो क्या बोल रहा है, यूजर कैन एक्सेस डेटाबेस रिसोर्सेज वाया इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर, झुमरी तलैया चले जाइए वहां भी इंटरनेट है आजकल, फॉर एज लॉन्ग एज दे नीड। आह मार डाला, क्या लाइन बोला है, बोलो यूजर्स कैन एक्सेस रिसोर्सेज वाया इंटरनेट, बोलो मुखोल करके, जाने नहीं देंगे बेटा, सच बोल रहे जाने नहीं देंगे, यूजर्स कैन एक्सेस द रिसोर्सेज वाया इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर, और कितना समय तक, जितना समय तक आपका मन करे। नहीं समझा, आप गाना कितना देर सुनते हैं, जब तक आपका मन करे, एज लॉन्ग एज दे नीड विदाउट वरिंग अबाउट, ए विदाउट क्या बताओ तो, विदाउट वरिंग अबाउट क्या बताओ ना, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। हम तो भैया मजा उठाएंगे, क्या चीज का मजा उठाएंगे, रिसोर्सेस का वाया इंटरनेट पक्का, यूजर्स कैन एक्सेस डेटाबेस रिसोर्सेज वाया इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम एज लॉन्ग दे नीड विदाउट वरिंग अबाउट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। कौन मेंटेन कर रहा, कौन हट। बिसाइड्स दिस डेटाबेसिस इन क्लाउड में भी हाईली डायनेमिक एंड स्केलेबल। हम क्या बोले थे, ये सब क्लाउड क्या रहता है, स्केलेबल। ये कौन सा क्लाउड का बात कर रहा है, स्केलेबल है, प्राइवेट वाला कि पब्लिक वाला, वेरी गुड। इनफैक्ट इट इज वेरी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग, ये सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है, आपको जब चाहिए रखो, जब चाहिए नहीं चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड का अब जितना भी कैरेक्टरिस्टिक है ना, हम ये जो अभी आपको इतना सब कुछ ज्ञान दिए हैं, क्या ये ऐसे ही चल रहा था, कि ये सब सब लेक्चर का पार्ट है, सब आपके एग्जाम का पार्ट है। अब देखिए आपको इसके कोई भी फीचर जो है ना समझने में दिक्कत नहीं आएगा। देखिए मैजिक देखिए लेक्चर का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में इसको पॉइंट नंबर वन दे दो, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब क्या, हम जब चाहे ज्यादा यूज कर सकते हैं, जब चाहे मतलब जब चाहे बढ़ा सकते हैं, स्केलेबिलिटी मतलब। और इलास्टिसिटी मतलब, इलास्टिसिटी मतलब जब चाहे घटा भी सकते हैं, समझ में आया। इट इज वेरी इलास्टिक अकॉर्डिंग टू द डिमांड, इफ आई डिमांड मोर स्पेस आई गेट मोर स्पेस, इफ आई डिमांड लेस स्पेस आई यूज द लेस स्पेस। ये कौन सा क्लाउड का बात हो रहा है बाय द वे, ज्यादातर क्लाउड हिंदुस्तान छोड़ो वर्ल्ड में 99% लोग कौन सा क्लाउड यूज करते हैं, वर्ल्ड के 99% लोग कौन सा क्लाउड यूज करते हैं, पब्लिक क्लाउड। ऐसा क्षमता है क्या जो हम आपको दिखाए थे, तो हम लोग को तो उन लोग को यूज करना पड़ता है ना। इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग गिव्स द एबिलिटी टू एक्सपैंड एंड रिड्यूस, एक्सपैंड एंड रिड्यूस रिसोर्सेस को गला करो, एक्सपैंड एंड रिड्यूस रिसोर्सेस को गला कर दो। इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी मतलब आप कभी भी एक्सपैंड कर सकते हैं और कभी भी रिड्यूस भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक सर्विस रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल वी मे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वर रिसोर्सेस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हो सकता है मेरे को ज्यादा क्या चाहिए था, सर्वर्स, तो हम गूगल वाला लोग से अमेजन वाला से ज्यादा सर्वर ले लिए। बोलो जब मेरे को क्या चाहिएगा, ज्यादा स्टोरेज, तो हम उसको ज्यादा सर्वर देने बोलेंगे। ICICI बैंक किसका यूज करता है, ICICI बैंक, AWS अमेजन वेब सर्विसेस पक्का। तो जब ICICI बैंक को अपना ब्रांचेस का ग्रोथ दिख रहा है बढ़ाएगा, वो ज्यादा सर्वर मांगेगा कि कम सर्वर, लेकिन जब उसका डाउनफॉल होगा वो बोलेगा भैया मेरा जो है ना अब 50,000 सर्वर छोड़ दो। नहीं समझा रहे बाबा, जैसे भी कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक का मर्जर हो रहा है, तो जब कैपिटल फर्स्ट IDFC बैंक का क्या होगा, मर्जर होगा, तो कैपिटल फर्स्ट भी अनलिमिटेड स्टोरेज ले रखा था बहुत ज्यादा, IDFC बैंक भी अलग से क्लाउड ले रखा होगा, अब उन लोग अपना क्लाउड का सर्वर को बढ़ाएगा कि घटाएगा, घटाएगा थोड़ा। नहीं समझा, तो यही तो खासियत है, वी मे नीड लार्ज नंबर ऑफ सर्वर रिसोर्सेज फॉर ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफिक टास्क, वी कैन देन रिलीज दीज सर्वर रिसोर्सेज आफ्टर वी कंप्लीट आवर टास्क। और विद दिस मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला, वो प्रोजेक्ट के लिए मेरे को क्लाउड चाहिए, जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा हम बोलेंगे भैया मेरे को दरकार नहीं है, रिलीज कर दो मेरे लिए, मतलब सर्वर रिलीज कर दो, अब हम तुमको भाड़ा देने वाले नहीं। इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, सबसे बेहतरीन फीचर है पेपर यूज। बोलो जितना यूज करो उतना पे करो, नो यूज नो पे, मोर यूज लिख दो पेपर यूज के माथे पे, नो यूज नो पे कॉमा मोर यूज मोर पे। कितने बच्चे क्लाउड के लिए पे करते हैं,
कैसे गरीब बच्चे हैं, फुल एंड जो लोग क्लाउड के लिए पे करते हैं, एक्सेलेंट, मेरा तो वेबसाइट है, मेरे को तो पे करना ही पड़ता है, और ऐसे भी गूगल ड्राइव को भी मैं पे करता हूं, हॉटस्टार को भी मैं पे करता हूं। तुम लोग कभी सावन वाले को पे नहीं किया, gana.com, उन लोग भी तो पैसा मांगता रहता है, उन लोग भी तो पैसा मांगता रहता है कि थोड़ा और एंजॉय करेंगे, थोड़ा और पैसा दे दो, बड़ा आप लोग देते नहीं। व्हाट्सएप पैसा मांगना चालू कर दे तो इसलिए मांगता ही नहीं है वो, इसलिए वो मांगता नहीं है। पे पर यूज, देखो अरे भाई सर, वो देखो, वी पे फॉर क्लाउड सर्विसेज कब, ओनली व्हेन वी यूज देम आइदर फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर एग्जांपल उसका सीपीयू टाइम, और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब पूरा क्लाउड बेस्ड स्टोरेज ऑफ वर्ल्ड सर्विस। अब आईसीआईसीआई बैंक तो पूरा एक वर्ल्ड बना रखा होगा ना अपना, आईसीआईसीआई बैंक, सामने वाला AWS को क्या बोला होगा, मेरा बिल्डिंग में और किसी का मत रखो, या मेरा फ्लोर में किसी और का मत रखो, वो तो पूरा एक वॉल्ट बनवा रखा होगा, किससे वॉल्ट बनवा, वॉल्ट मतलब तिजोरी की तरह सर्वर को रख के रखवाया होगा, किससे, AWS से। तो लॉन्ग ड्यूरेशन है आईसीए वाला की शॉर्ट ड्यूरेशन, तो यू कैन पे एज पर यूज, इफ यू वॉन्ट टू यूज फॉर शॉर्ट टर्म यू विल पे फॉर शॉर्ट टर्म, इफ यू वॉन्ट टू यूज फॉर, तो आपके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन डिमांड, मैं जब चाहूं डिमांड कर सकता हूं स्टोरेज, बोलो, तो क्लाउड मौजूद है ऑन, क्या गूगल वाला मेरे लिए अलग से सर्वर बैठाएगा कि सब रेडी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा, अब समझ में क्या बोला जा रहा है, हम उसको खाली बोले मेरे लिए 20 GB अलग कर, वो तुरंत मेरे लिए एक दो सेकंड में 20 GB अलग कर देगा, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, तो ऑन डिमांड, ऑन डिमांड मतलब जब हम चाहे तब हम उसको यूज। बताओ तीन टू फीचर बताओ क्लाउड का, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड, अबे अंदर का भी लिखना होगा, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी मतलब क्या, वी कैन इंक्रीज द सर्वर रिक्वायरमेंट्स एंड वी कैन ऑल्सो रिड्यूस, एक्सपैंड एंड रिड्यूस, याद रखना, समझ में आया, तो वी हैव द एबिलिटी टू एक्सपैंड एंड रिड्यूस द रिसोर्सेज, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। फिर आप थोड़ा बड़ा चार कर दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल वेन वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट वी नीडेड द क्लाउड सर्विस सो वी यूज्ड इट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इफ यू डोंट नीड फर्दर सर्विस विल नॉट यूज इट विल रिड्यूस द सर्वर स्टोरेज, पक्का। तो इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, पेपर यूज, मोर यूज मोर पे, नो यूज नो पे, पेपर यूज, ऑन डिमांड, वेन एवर वी वॉन्ट वी कैन यूज इट ऑन डिमांड। रेजिलियंसी, थोड़ा भारी शब्द है लेकिन हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, रेजिलियंसी मतलब कि अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो भी गया आपको कुछ खतरा नहीं है क्योंकि मल्टीपल बैकअप्स आर देयर, बुद्धि में जा रहा है, रेजिलियंसी मतलब कोई आपको तोड़ ही नहीं सकता, कोई आपको फोड़ ही नहीं सकता, नहीं सुने हो, बहुत ही रेजिलियंट लड़का है, मतलब कुछ भी बीत जाए फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, बोलो ये लाइन, हाँ इसी को तो बोलते हैं रेजिलियंसी। जिन लोग क्रिकेट देखता था नहीं बोलता था कमेंटेटर लोग, राहुल द्रविड़ का बैटिंग जो है वेरी रेजिलियंट, रेजिलियंट अगेंस्ट एनी अटैक, मतलब कोई भी बॉलर आ जाए मेरा डिफेंस रेजिलियंट है, कोई मेरे को हरा कुछ भी बीत जाए आई एम रेजिलियंट, मतलब फर्क नहीं पड़ता, हिंदी में बोले तो फर्क, तो कितना भी बड़ा विपदा आ जाए फर्क नहीं पड़ता, क्यों, उन लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर वापस से दिखाएं क्या, मल्टीपल बैकअप्स है, आपको तो वहां काम करने का मन कर रहा होगा। रेजिलियंसी मतलब समझ आ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक का डेटा आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर में आग लग गया उसको फर्क पड़ेगा, डेटा को फर्क पड़ेगा, क्यों, AWS जिंदाबाद। द रेजिलियंसी ऑफ अ क्लाउड सर्विस ऑफरिंग कैन कंप्लीटली आइसोलेट द फेलियर ऑफ द सर्वर, समझ में आया, आपका सर्वर एक तो फेल भी हो गया, आइसोलेट मतलब क्या, फर्क नहीं पड़ता, अलग कर देगा फेलियर ऑफ सर्वर एंड स्टोरेज रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड यूजर, बिकॉज वर्क इज माइग्रेटेड टू अ डिफरेंट फिजिकल रिसोर्स इन द क्लाउड विथ और विदाउट यूजर अवेयरनेस एंड इंटरवेंशन। तुमको पता ही नहीं है, यूजर को तो अवेयरनेस भी नहीं है और उसका दखल भी नहीं है, आपने AWS को काम दे दिया, आप अपना शांति से बैंक चलाओ ICICI, यूजर दखल अंदाजी नहीं करेगा और उसको पता भी नहीं होगा हम लोग कितना बैकअप रख के रखें। रेजिलियंसी, रेजिलियंसी के बगल में लिख दो ना एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, ICICI बैंक
uses the cloud service of Amazon Web Services. ICICI Bank uses the cloud services of Amazon Web Services. ICICI Bank uses the cloud services of ICICI Bank uses the cloud services of kiska? Amazon Web Services. So even if there is a fire in headquarters of bank, so even if there is a fire in headquarters of bank, even if there is a fire in headquarters of bank, which leads to loss of entire data, which leads to loss of entire data. Still, because it is located in multiple servers of AWS, because it is located in multiple servers of AWS, bank can easily take the backup from there. फालतू बातों करना मत कि AWS में भी आग लग गया तो देखे नहीं कैसा कूलिंग सर्विस मेंटेन कर रहा है और कितना सारा बिल्डिंग मेंटेन कर रहा था गूगल वाला तो AWS तो उसका भी बाप है क्योंकि AWS नंबर वन है गूगल टॉप टेन में है थर्ड या फोर्थ है स्टिल इट कैन गेट क्या लिखे इजिली द बैकअप फ्रॉम AWS इसी को बोलते हैं रेजिलियंसी समझ में आ रहा है फर्क जैसे आप लोग रेजिलियंट है क्या कितने भी सब्जेक्ट आ जाए आपको फर्क पड़ेंगे कि पढ़ लेंगे हाँ कितने भी कर ले तू सितम हंस हंस के सहेंगे हम उसी का नाम है रेजिलियंसी अब समझ में रेजिलियंसी कुछ भी हो जाए डेटा लॉस होने वाला मल्टी टेनेंसी को 0.5 दो ओए बेसरमो मल्टी टेनेंसी ए अमेज़न वेब सर्विस का गूगल का ए गूगल के हम एक लौते क्लाइंट है ना 1300 रुपया और वो खरबों अरबों रुपया लगाता होगा कि उसके ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उसी को बोलते हैं हम एक टेनेंट है कि बहुत सारे टेनेंट है हम खाली अकेले हैं उसको भाड़ा देने वाले अरे हम उसका सर्वर खरीद लिए कि भाड़ा दे रहे हैं हम तो उसको भाड़ा दे रहे हैं ना कभी भी जब मेरे को डरकार लगेगा हम छोड़ देंगे खोली खाली कर देंगे सर्वर खाली कर देंगे पक्का तो उसका ऐसा मेरे जैसे एक टेनेंट है कि लाखों टेनेंट है करोड़ टेनेंट है तो इसको मल्टी टेनेंसी बोलते हैं मल्टी टेनेंसी के माथे पे लिख दो एग्जांपल गूगल ड्राइव हैज क्रोर्स ऑफ यूजर्स गूगल ड्राइव हैज क्रोर्स ऑफ यूजर्स पक्का अंदर करीब मान लीजिएगा हम पढ़ा चुके हैं मल्टीपल यूजर्स विद इन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को अंडरलाइन करो मल्टीपल यूजर्स विद इन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे लिए अलग से बिल्डिंग खरीदेगा क्या कि मल्टीपल यूजर है सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है कि डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेम मल्टीपल यूजर्स विद इन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट पॉइंट वर्कलोड मूवमेंट ऑब्वियस होता है ना आईसीआईसीआई बैंक क्या वहां पर उसका सर्वर में जाकर के काम कर रहा है बोलो हाँ ICICI बैंक क्या अमेरिका जा रहा है अमेरिका में जमा करके डेटा एंट्री करके आ रहा है यहां पहले डेटा एंट्री होता होगा फिर यहां से डेटा एंट्री जो है लोग जाते होंगे वहां जाकर के पेंड्राइव घुसाते होंगे कि सब इंटरनेट के थ्रू जा रहा है ICICI बैंक का सर्वर में और फिर ICICI बैंक का जो सर्वर है वहां से लोग इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर कर दे रहे हैं ना रे बाबा किसको AWS को बोलो वर्कलोड मूवमेंट फटाफट हो सकता है लिख दो वर्कलोड मूवमेंट में एग्जाम्पल ICICI Bank transfers its data. ICICI Bank transfers its data to AWS servers through internet.
to AWS servers through internet. To AWS servers through how? Internet. Through internet. Clear hai kya? Kitna feature tha? Jaane nahi denge. Cloud ka kitna feature tha? Kya chato feature tha? Elasticity. Aapko pata hai yaad kyu ho gaya? Kyunki aap ek ek point ko jee rahe hain, samajh rahe hain. Elasticity ends. Haan, elasticity and scalability. Pay per use on demand. Come on, elasticity and scalability. Pay per use. Elasticity and scalability. Pay per use. Jitna use karenge, utna pay karenge. On demand. Resiliency. Resiliency matlab kuch bhi ho jaye, data ka nuksan hone wala nahi hai. Resiliency. Aap ye sab exam mein example likhenge kya? IC se bank, AWS. Haan, tabhi number milega. Resiliency ke baad multi-tenancy. Uska bahut sara grahak log hai and workload movement. Aapko pata hai, hum log ka Facebook ka data hum log ke paas hai. Ole babu re. Kahan hai dikha? Dikha kahan hai? Kahan hai tere mobile mein Facebook ka data? Nahi hai. Facebook ke andar hai. To Facebook to hum log ka server mein dal rakha hoga na re baba. Kahan hai Facebook ka server? Pehle America mein tha. Suno. Facebook hum log ka sara data America ke server mein rakha tha. जब मोदी जी गए अपना बब्बर शेर जब गया वहां मार्क जकरबर्ग को बोला हम लोग के भाई बेटे सेफ महसूस नहीं करते क्या होगा हम लोग को ये बाप बेटा भाई हम लोग के सेफ नहीं है कौन सा डेटा आपके हेडक्वार्टर से सर्वर से लीक लाख हो जाए हम लोग को क्या पता तो हम लोग के भाई बेटे बाप कहां आजकल सेफ है एंड ऑपोजिट जेंडर्स आल्सो माताएं बहनें बेटियां तो अमेरिका में मत रखो नहीं समझा तो वो बेंगलोर में फेसबुक ने बेंगलोर में अपना क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रखा है अब हम लोग का मेरा और तेरा डेटा कहां पर है तो क्लाउड में वो क्लाउड कहां पर है हम लोग का हिंदुस्तानी लोग का बेंगलोर में अब मेरे बच्चे सोचेंगे क्या वैसे ही बड़ा बड़ा सर्वर रहा होगा बेंगलोर में हां अपने हिंदुस्तानी लोग जो है मेरे ख्याल से फेसबुक के हम लोग नंबर वन यूजर हैं वी आर द बिगेस्ट यूजर ऑफ द फेसबुक तो वो बड़ा एकदम जैसा बिल्डिंग वगैरह बना रखा है बेंगलोर में वैसे ही पूरा सर्वर डाल रखा है अच्छा अब मेरे बच्चे सोचेंगे अमेरिका में पहले था फिर यहां पर आया ना पहले अमेरिका में था फिर अभी इंडिया में आया ना तो नहीं वहां से डिलीट करवा दिया ना मोदी तो अब क्या यहां पर वो सब सर्वर उठा-उठा कर लाया गया होगा नहीं वहां का सर्वर खाली कर दिया डिलीट कर दिया ट्रांसफर करने के बाद और यहां मल्टीपल बैकअप्स रख लिया नहीं समझा रहे बाबा नहीं तो ऐसा कोई बड़ा-बड़ा शिप में सब लाद करके कैमल शिप्स में सब लाया गया होगा ऐसा कुछ नहीं सब इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर होता है तो ये भी तो वर्कलोड ट्रांसफरेबिलिटी था ना मेरे बच्चों हम आज दो क्लाउड पढ़े हैं प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड फटाफट डिफरेंस कॉलम बना लीजिए कहीं पर भी मेरे को मतलब नहीं है कॉपी में नोट्स में प्राइवेट क्लाउड पब्लिक क्लाउड का डिफरेंसेस एक कॉलम बेसिस बनाइए पहले देख लीजिए एक कॉलम प्राइवेट क्लाउड एक कॉलम पब्लिक क्लाउड एक कॉलम हाइब्रिड हाइब्रिड अभी सिखाएंगे नहीं हाइब्रिड का कॉलम छुड़वा देंगे समझ में आया नेक्स्ट क्लास जब मैं हाइब्रिड और कम्युनिटी सिखाऊंगा तब ये वाला कॉलम भरवाऊंगा
आप लोग नहीं छापेंगे, रुक जाइए, एकदम नहीं छापेंगे। हम छह टो बेसिस बताए हैं, मेरे को खाली बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओनरशिप प्राइवेट क्लाउड में, बिजनेस इटसेल्फ, क्या बिजनेस इटसेल्फ इज द ओनर ना पब्लिक क्लाउड में, हाँ पक्का। हाइब्रिड का कॉलम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, जब समझाएंगे तब समझाएंगे, देखो कितना अच्छे से समझाएं, मेरे बच्चों खुद से बोल सकेंगे। अवेलेबिलिटी प्राइवेट क्लाउड में अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज इज लेस की मोर, लेस स्टोरेज, यहां बताओ मोर, छापो मत। स्केलेबिलिटी, आप क्या प्राइवेट क्लाउड को कितना भी स्केल कर सकते हैं क्या, क्या है लेस मोर मतलब क्या। सिक्योरिटी मोर, सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है, जो हम आपको बताए थे ना आईसीआई बैंक एडब्ल्यूएस के साथ एग्रीमेंट कर रखा था, डेटा लॉस हुआ तो 1000 करोड़ रुपया लेंगे, नहीं याद आया, वो था सर्विस लेवल कि अगर डेटा लॉस हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। प्राइवेट में क्या सर्विस लेवल एग्रीमेंट होगा, खुद से मैं एग्रीमेंट करूंगा, मैं बना रहा हूं लेकिन अगर मेरा गलती रहा, अरे नो ना, यस मतलब स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब क्या, टाइट, टाइट स्ट्रिंजेंट मतलब बताओ, टाइट एग्रीमेंट रहता है एकदम। कॉस्ट प्राइवेट में मोर ना पब्लिक में, क्लियर है क्या। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, कृपया करके आप लोग कॉपी करें, नेक्स्ट क्लास कब है आप लोग का, ट्यूजडे मॉर्निंग है, ट्यूजडे मॉर्निंग, और उसका दुनिया भर का वीडियो ऑप्शंस रहेगा, जिन लोग का लाइव दूसरा एडिशन है तो वो वीडियो करेंगे। थैंक यू, बाय, कॉपी इट, बाय। आप लोग बताए नहीं कैसा था क्लाउड।